हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफर पाल। कैसे हैं आप लोग सब? अब कच्चे आम जब सीजन में होना तो बहुत सारे आम के अचार चटनियाँ बनाने की इच्छा होती। और मुझे याद है जब मैं एक फर्म के लिए पिकल्स बनाया करता था, तो फैक्ट्री जाते थे तो वहाँ पे कुछ होम शेफ्स के साथ मिलके हमने कटकी आम का पिकल बनाया। कटकी आम मतलब छोटे छोटे आम काटे जाते, उसमें मीठा मीठी जैसी चटनी बनती है आम की, बहुत ही सुंदर होती है। और वही मैं आज आपके लिए बना रहा हूँ। इंस्टेंट है, 2-3 दिन में खाने के लिए तैयार रहते। एंड बिलीव मी, थेपला हो गया या ब्रेड हो गया या फिर पराठे हो गए, इसके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। सबसे पहले कोरिएंडर, ठीक है, एक चम्मच ले लें, और जीरा ये आधा चम्मच, ये लेके हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये कटकी आम की चटनी जो है, पिकल जो है, ये बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग ये डालते ही नहीं हैं, खड़ा धनिया और जीरा डालते ही नहीं हैं। लेकिन जिस होम शेफ़ को हम लेके गए थे, क्योंकि वो गुजराती थे, तो उनको हमने स्पेसिफिकली बोला था कि आप अपने हिसाब से बनाइए, फिर फैक्ट्री में हम करेक्शन करेंगे। तो उनकी ये रेसिपी है स्पेशल। बिल्कुल। तो ये मैं दरदरा सा पीस लेता हूँ। ये लीजिए, पीस लिया। बस अब आम जो है कच्चा वाला ले लेते हैं। कच्चा आम खाने का मजा ही कुछ और है। वो वेजेस काट के स्कूल के बाहर मिलते थे, उसमें नींबू, एक्चुअली उसमें लाल मिर्च और नमक डाल के ऐसे रब करके देते थे, मजा आया था खाने में। ये गुठली फॉर्म हो गई है, तो इसलिए मुझे साइड से काटना पड़ेगा। चलिए, जितना हो सकता है निकालेंगे और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस काटने हैं। देखिए, अब थोड़ा सा तेल। अच्छा, ये भी मैं बताऊं, आप नेट पे देखेंगे तो बहुत अलग अलग चीज़ें आपको मिलेगी। कुछ लोग डालते हैं तेल, कुछ लोग सीधा गुड़ की चाशनी या शक्कर की चाशनी बना के सीधे डाल देते हैं। इसमें सिनेमन, दालचीनी और लौंग डालें, थोड़ा सा शाही जीरा आधा छोटा चम्मच। तो यहाँ हमने करीब 1.5 आम लिया हुआ, इसलिए मैं उस मात्रा के हिसाब से डाल रहा हूँ, ठीक है जी। और आम डाल लेते हैं इसमें। अब सीधे पकाने की बारी, गुड़ डालिए। लगभग 1.5 कप गुड़ डाल दीजिए और लाल मिर्च पाउडर डालें 1.5 छोटा चम्मच, हल्दी डालें 1/4 छोटा चम्मच, नमक डालें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ना डालें। फैक्ट्री में मुझे पता है नमक डालते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें हींग भी डालूंगा, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ LG की हींग। वाह, अब पानी डालेंगे। अब और साथ ही साथ ये जो मसाला है, धनिया जीरे का, ये भी डाल लेते हैं। ये लीजिए, देखिए खुशबू बहुत बढ़िया हो गई है। अब इसको पकाएंगे जब तक ये मिश्रण गाढ़ा नहीं होता। जैसे चीनी की चाशनी कैसे होती है, एक तार वाली चाशनी, तो वहाँ तो शुगर थर्मामीटर होते हैं, तो शुगर थर्मामीटर के हिसाब से जो फैक्ट्री के नॉर्म्स है वो हम मेजर करते हैं। बट यहाँ सिंपल हम चाशनी की स्ट्रेंथ देखेंगे और निकाल लेंगे, क्योंकि इसे आप जब बनाएंगे ना, जितनी क्वांटिटी मैंने बनाई है, ये मुझे लगता नहीं कि 4 दिन से ज़्यादा चलेगी।
में बहुत मजेदार है, पहले पकाते हैं इसे। बढ़िया तरीके से हमने पका लिया है और गाढ़ा करना है थोड़ी देर में, और ये गाढ़ा हो जाएगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये एक तार की चाशनी अभी होने वाली है बस, और मैं एक तार की चाशनी से थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा। क्यों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कच्चा आम है, इसकी जो खटाई है ना, ये एक दिन रखने के बाद थोड़ी सी पतली हो जाएगी। बहुत ज़्यादा पतली हमें चटनी चाहिए नहीं ये वाली। तो पिकल है कटकी, मैंगो कैरी नू कटकी जिसे गुजरात में बोलते हैं, बहुत पसंद आता है गुजरातियों को ये, और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि इसकी जो जो रस्सा है, जो जो सिरप बनता है, वो बहुत मज़ेदार है। पराठे के साथ लगा लगा के खाएं ना, आ हा हा। ये लीजिए तैयार, बिल्कुल बढ़िया, परोसने के लिए मैं तैयार हूँ। ये लीजिए, इसमें से लेते हैं, आप गर्मा गर्म जो है साफ जार में डाल के रख सकते हैं। इसको अगर अभी हम जार में डाल के रख देंगे ना, तो एक दिन बाद देखेंगे ये और थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, पतला हो जाएगा। सिर्फ बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में आपको मिलेगा, बहुत मज़ेदार है खाने के लिए, सिंपल है। और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे तो ऐसे ही गार्निश कर देता हूँ। ये लीजिए अचार, पराठा, थेपला, चावल, जिसके साथ मर्जी खाइए, लेकिन बनाइएगा जरूर।